एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित राया बुजुर्ग गांव पहुंचा। लगभग 6000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान नुशाबा द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 517 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 320 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 36 हैंडपंप वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 5 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 12 सीसी टाइम्स रोड, 5 खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं मिंजार हुसैन ग्राम पंचायत राय मुजफ्फर रहने वाला हूँ, यहाँ का मूल निवासी हूँ। ग्राम प्रधान जी ने जो यहाँ पर विकास कार्य कराए हैं वो बहुत अच्छे कराए हैं और उस तरह कराए जो कि विवादित थे वो भी उन्होंने समझा बुझा करके समाज में कार्य करा दिया है। और दूसरे जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उन पर पूरा पूरा आपका ध्यान है, वो गांव वालों की समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं मोहम्मद फैम ग्राम पंचायत राय बुजुर्ग विकास खंड असमोली का निवासी हूँ और मैं यहाँ पर रोजगार सेवक के पद पर हूँ। यहाँ जो आपने आपको हमने दिखाया बीते वर्ष 2 वर्षों में जो सीसी टाइल प्रधान जी ने कराई हैं काफ़ी अच्छी तरह से काम कराया और खरंजे भी कराए हैं जिसमें नाला निर्माण भी कराया है और व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण भी कराया है और 14 प्रधानमंत्री आवास हो भी काम कराया गया है यहाँ पर और सीसी टाइल भी काफ़ी अच्छी हुई है और यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल बना हुआ है उस पर 2015-16 में निर्माण हुआ था उसका, लेकिन अभी तक उसमें डॉक्टरों की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है जिससे यहाँ के मरीजों को काफ़ी परेशानी आती है और उन्हें बाहर ले आना पड़ता है। मैं यही चाहूँगा कि मतलब इस चीज़ पर गवर्नमेंट एक्शन ले और राज्य वाल से मैं ये चाहूँगा कि वो भी हमारे यहाँ जो धनराशि उन्होंने आवंटित की थी उसका 100% अच्छा उपयोग किया गया है यहाँ पर और मैं चाहूँगा आने वाले टाइम में भी अच्छी धनराशि यहाँ पर आवंटित की जाए जिससे कि यहाँ का विकास और अच्छा हो सके। मैं ग्राम पंचायत राय बुजुर्ग का निवासी हूँ और मैं यहाँ का नागरिक हूँ और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सीसी टाइल हुआ, यहाँ के प्रधान जी ने बहुत अच्छी काम कराया है यहाँ पर। इससे पहले यहाँ के हालात बहुत बेकार थे, काफ़ी यहाँ पर गंदगी थी और प्रधान जी ने इस रास्ते को बहुत जल्दी से शीघ्र से कराते हुए और यहाँ पर जो रास्ता सफाई कराया।